व्यूवर्स, बहुत सी औरतों ने मुझसे सवाल किया है कि हमारा बच्चा अब 4 माह से ऊपर का हो गया है तो अब हम उसका सर कैसे बिठाएं, क्योंकि बच्चे का ठीक से सर 3 माह या 4 माह में बैठ जाता है। एक औरत ने कहा कि मेरा बच्चा 8 माह का है और एक ने कहा कि 5 माह का है और अभी तक सर लंबा है, सर एक तरफ से निकला हुआ है। तो इन तमाम सवालों का हल मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। अगर आपके बच्चे का सर काफी कोशिशों के बाद भी नहीं बैठ रहा और लंबा रह गया है तो आप उसे कैसे बिठा सकती हैं? इस टॉपिक पे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है कि आप अपने बच्चे का सर पहले 40 दिनों में कैसे बिठा सकती हैं। आप पहले वो वीडियो देखिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उस वीडियो में मैंने बच्चे का सर 40 दिनों में बिठाने का तरीका बताया है, बिस्तर बनाने का मुकम्मल तरीका बताया है कि बच्चे का सर कैसे 40 दिनों में बिठाएं। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर आपके बच्चे का सर 3 या 4 माह के बाद भी नहीं बैठ रहा तो उसको कैसे बिठाएं। व्यूअर्स, पहली टिप ये है कि आप अपने बच्चे को चारपाई पे सुलाएं, बेड पे ना सुलाएं। आप देख सकते हैं कि बच्चा सर हिला रहा है और इस तरह सर नीचे से रगड़ा जा रहा है। अगर कुछ ना भी रखा हुआ हो तो ये सर नीचे से रगड़ता रहेगा और ये सर नीचे से बैठ जाएगा। कोशिश करें कि बच्चे को बांध के सुलाएं, इस तरह बच्चा नहीं डरता और उसको ऐसा फील होता है कि वो माँ की गोद में सोया हुआ है। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि हमारे बोलने की वजह से बच्चा जाग रहा है और ये बांधा हुआ है। अगर ये बांधा हुआ ना होता तो बच्चे ने जाग जाना था। बांधे हुए की वजह से बच्चा सुकून से सोया हुआ है। कोशिश करें कि बच्चे की गर्दन के नीचे ये कपड़ा लाजमी रखें, इससे बच्चे की गर्दन लंबी हो जाती है। इसी तरह मेरी एक बहन ने पूछा है कि उसका बेटा 6 माह का है और वो साइड लेके सोता है, करवट बदल के सोता है और उसका सर लंबा हो गया है तो वो क्या करे। आप इस तरह करें कि 2 कुशन लें और बच्चे की साइड पे रखें। इससे क्या होगा कि बच्चा करवट नहीं बदल पाएगा और बच्चा सीधा रहेगा। इसी तरह अगर आपके बच्चे का सर एक तरफ से बढ़ गया है तो बच्चे के सोने की पोजीशन तब्दील करें। अगर आप अपने बच्चे को अपनी राइट साइड पे सुलाती हैं तो उसे आज से लेफ्ट साइड पे सुलाना शुरू कर दें, और अगर लेफ्ट साइड पे सुलाती हैं तो उसे राइट साइड पे सुलाना शुरू कर दें। इससे क्या होगा, इससे अगर आपके बच्चे का सर एक तरफ से निकला हुआ है तो दूसरी तरफ से बराबर हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, उससे ये होगा कि दूसरी तरफ सुलाने से उसका सर बैठ जाएगा और उसका सर इक्वल हो जाएगा। और इसी तरह अगर न्यू बॉर्न बेबी है तो उसे माँ एक रात अपनी दाई साइड पे सुलाए और दूसरी रात बाई साइड पे सुलाए। इस तरह उसका सर टेढ़ा नहीं होगा, इक्वल ही रहेगा। और जो माए शिकायत करती हैं कि एक तरफ से सर बढ़ गया है, वो भी नहीं बढ़ेगा। अगर 4 या 5 महीने के बाद भी अगर आपके बच्चे की चोटी चढ़ी हुई है और आपका बच्चा सर के नीचे प्लेट या कुछ और नहीं रखवा रहा तो आप इस तरह की बोरी ले, उसमें रेत डाल के बच्चे की इस तरह पीछे से टेक दे। इस तरह चोटी को टेक आती रहेगी और सर लंबा नहीं होगा। आप एक झिल्ली बनाएं, इस तरह का कोई कपड़ा ले लें, इतनी लंबाई होनी चाहिए कि चारपाई की इस इतनी जगह पे आए। आप लकड़ी की चारपाई के साथ भी बना सकते हैं और लोहे के चारपाई के साथ भी। जोर से गिरा लगाएंगे ताकि बच्चा गिरे ना। दूसरी साइड से बांधूंगी। तीन चार महीने के बच्चे के सर के लिए पहले मैंने तरीका बता दिया है।
ये उस सूरत में इस तरह बिस्तर बनाना है कि जब आपके बच्चा 5 महीने का या 6 महीने का हो जाए, क्योंकि बच्चा ज़्यादा बिस्तर में फिर नहीं सोता। कोई भी कपड़ा ले लें, इस तरह फोल्ड करके अंदर रख लें। एक कपड़ा आपने कंधों के नीचे रखने के लिए लाजमी लेना है, इस तरह बच्चे की गर्दन लंबी रहती है। व्यूअर्स, ये देखे मैंने बच्चे को कपड़े में अच्छी तरह लपेट दिया है, इससे बच्चा सुकून से सोता है, ऐसे फील करता है जैसे माँ की गोद में सोया हुआ है। इससे बच्चा डरता भी नहीं है, कोई आवाज़ हो या कोई ज़ोर से बोले, बच्चा सुकून से सोया रहता है। इस तरह करके सर उठा के पीछे रखना है और ये कपड़ा गर्दन के नीचे आना चाहिए। व्यूअर्स, ये तरीका उन बच्चों के लिए है जिनका सर 4 महीने गुजरने के बाद भी नहीं बैठ सका। 4 महीने के बाद बच्चे बिस्तर पे नहीं सोते, ना वो सर पे बोरी रखवाते हैं और ना ही पीछे प्लेट रखवाते हैं। तो इस तरह सिंपल तरीके से बच्चे का सर बिठाएंगे। इस तरह की कोई भी लकड़ी लें, उसको झल्ली में इस तरह से रखें। इस लकड़ी को रखने का मकसद यह है कि ये देखिए ये कपड़ा टाइट हो गया है, कि टाइट होने से बच्चे की चोटी को टेक आती रहेगी और ये टाइट कपड़ा बच्चे की चोटी को रगड़ दे रहा है और इस रगड़ आने की वजह से बच्चे की चोटी बैठ जाएगी। ये टाइट कपड़ा बच्चे के सर की चोटी को रगड़ देगा और बच्चे का सर इंशाल्लाह बैठ जाएगा। ये तरीका आपने तब अपनाना है अगर आपके बच्चे का सर 4 या 5 महीने के बाद भी नहीं बैठ रहा, तो इस तरीके से इंशाल्लाह बैठ जाएगा। अगर आपका न्यू बॉर्न बेबी है तो आपने ये तरीका नहीं अपनाना, आपने वो तरीका अपनाना है जो मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो आप देख सकते हैं। इसी तरह अगर आपके बच्चे का माथा 4 या 5 माह के बाद भी नहीं बैठ रहा, तो आप इस तरह करें कि जब भी अपने बच्चे को गोद में लिटाएं तो उसको इस तरह से मालिश करें। ये जो उंगलियां हैं इसको सर के यहाँ पे रखना है, इससे टेक आती रहेगी, और ये अंगूठों से इस तरह मालिश करनी है। आराम आराम से करें कि बच्चे को तकलीफ ना हो, ये इस तरह पीछे हटाते रहें, इससे बच्चे का माथा चौड़ा हो जाएगा। ये तरीका आप न्यू बॉर्न बेबी से लेकर 7-8 महीने के बच्चे तक जारी रखेंगे। और बच्चे को घुटने के ऊपर लिटाएं, उसकी ये हिस्सा जो चोटी है घुटने की हड्डी के ऊपर डालेंगे तो उससे टेक आएगी, और उंगलियां यहाँ पे रखें ताकि चोटी ना चढ़े, और घुटने की टेक दें और साथ में अंगूठों से इस तरह दबाएं। और इसी तरह अगर आप अपने बच्चे को मदर फीड करवा रहे हैं तो हाथ के इस हिस्से को यहाँ पे रख के तो हाथ से प्रेस किए रखना है, और इसी तरह साइड चेंज करने के बाद दूसरे हाथ से इस साइड से प्रेस करना है। और अगर बच्चा खेल रहा है और आपकी गोद में है तो ये वाला हिस्सा जो है नॉर्मली बच्चे के यहाँ पे रखे रखे बच्चे की आदत हो जाएगी सर पे कुछ ना कुछ रखवाने की। इससे ये फायदा होता है कि बच्चे का माथा बगैर किसी चीज के रखे बैठ जाता है, जिसमें बच्चे का सर और माथा अमूमन बैठता है। अमूमन औरतें 3 महीने का ग्रेस पीरियड जाया कर बैठती हैं और 4 या 5 माह के बाद बच्चे का सर बिठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। सिर्फ 10 या 15% चांसेस होते हैं कि बच्चे का सर बैठ जाए। आप बच्चे का तालू देख लें, यहाँ पे तालू होता है, अगर तो ये सख्त हो चुका है तो फिर बच्चे का सर किसी सूरत नहीं बैठ सकता। अगर ये जगह नरम है और हिलती हुई नजर आती है तो फिर आप ये समझ लें कि बच्चे का सर अभी बैठ सकता है, हड्डियां भी कच्ची हैं। व्यूअर्स, इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि आपको वो तमाम टिप्स बताऊं जिससे आप अपने बच्चे का सर गोल मटोल बना सके, लेकिन याद रखें बच्चे के सर बिठाने का ग्रेस पीरियड 3 माह है। इन 3 माह में आप अपने बच्चे का सर अपनी मर्जी से बिठा सकती हैं। और आखिर पर एक बात याद रखें, बच्चे का सर 40 दिन के अंदर बैठ जाता है, लेकिन 6 माह तक बच्चे के सर की हिफाजत करनी होती है। सर बन तो जाता है, लेकिन आपकी गफलत से वो खराब भी हो सकता है। इसलिए जो टिप्स मैंने आपको बताई हैं, उन पर 6 माह पाबंदी से अमल करें। और वो मेरी बहनें
जो कहती हैं कि मेरा बच्चा 6 या 7 माह का है और उनके बच्चों का सर अभी तक नहीं बैठ रहा, तो वो भी कोशिश जारी रखें और इन टिप्स पर अमल करें। इंशाल्लाह आपके बच्चे का सर बैठ जाएगा। खसूसन अगर तालू सख्त नहीं हुआ तो अभी चांसेस हैं कि आपके बच्चे का सर बैठ जाएगा।